बिग बॉस के एक सक्सेसफुल सीजन के बाद, मतलब एक और सक्सेसफुल सीजन के बाद, भाई अभिषेक कुमार ने बिग बॉस के घर वालों के लिए दी एक पार्टी कि भैया मिल लिया जाए, घर में तो खूब झगड़े थे, लेट्स मीट इन अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, हैप्पी हैप्पी वाला एनवायरनमेंट, जहां पर सब आए, सब माइनस विकी और अंकिता। भाई वो कहाँ थे? जिंदगी में हर एक फ्रेंड जरूरी होता है, क्योंकि यारो दोस्ती बड़ी हसीन है। सुख दुख का कोई भी वक्त हो, सबसे पहले याद आता है सिर्फ दोस्त। इसलिए तो आज अभिषेक की पार्टी में सभी फ्रेंड्स नजर आए। अपने गिले शिकवे मिटाकर मुनव्वर फारूकी और अभिषेक बिग बॉस सीजन 17 में टॉप 2 पर रहे, और देखिए इन दोनों की बॉन्डिंग जो बड़ी कमाल की लग रही है। दोनों एक दूसरे के गले ऐसे पड़े, मतलब ऐसे लगे हैं कि जुदा होने का नाम नहीं ले रहे। और तो और मुनव्वर जहां, मुनारा वहां, क्योंकि मुनव्वर और मनारा की जोड़ी को भी लोग काफी पसंद करते हैं। वो बात अलग है कि मनारा ने म्यूजिक वीडियो मुनव्वर के साथ नहीं बल्कि अभिषेक के साथ किया है, जिसे लेकर दोनों काफी एक्साइटेड हैं। सांवरे गाना आ रहा है 12 तारीख को, इसी 12 को, और वैलेंटाइन सॉन्ग है, रोमांटिक सॉन्ग है, और हम दोनों का फुल ऑन रोमांस चल रहा है। मेरी तो ख्वाहिश पूरी होगी मनारा के साथ रोमांस करने की, तो मनारा तुम भी तारीफ कर दो झूठी। ऑफ कोर्स हमारे पंजाब का, मैं तो इसको बॉडी बिल्डर बोलती थी। ऑफ कोर्स ही हैज गॉट एन अमेजिंग बॉडी एंड ही इज़ वेरी गुड एन एक्टर, एंड बहुत मज़ा आया अभिषेक के साथ काम करके। पहली बार हम लोग यू नो स्क्रीन स्पेस शेयर करे थे, बिग बॉस के घर में तो रोज़ ही साथ थे, बट ऑफ कोर्स ही इज़ अ वन टेक एक्टर एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैं अभिषेक के साथ बिग बॉस के घर से आने के बाद पहला म्यूजिक एल्बम करी हूँ, सो वेरी हैप्पी अबाउट इट। अभिषेक की मंडली में नील भट्ट, रिंकू धवन, जिग्ना वोरा, सोनाली बंसल, मन्नारा चोपड़ा, ये सभी तो हैं ही, तभी तो पार्टी में 4 चांद लगा है। इनके अलावा अभिषेक का जो रिश्ता उड़ारिया शो से जुड़ा है, तो ऐसे में शो के करता धरता भी नजर आए, यानी कि रवि दुबे और सरगुन मेहता। बहुत मज़ा आया, बहुत नाचा, हालांकि बहुत अभी थक गया हूँ, वो नींद आ रही है, लेकिन आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ गुड टाइम ओवर देयर, सो या। बहुत मिस किया मैंने उसे, मेरी डांस पार्टनर, मेरी लाइफ पार्टनर मिसिंग थी ये। हालांकि जब गाने बजते हैं तो हम दोनों साथ में होते हैं, एंड आई लव डांसिंग विद हर। पार्टी में मिस हुई वो बहुत। वो ही इज़ अ इमोशनल बॉय एंड वेयर्स हिज इमोशंस ऑन हिज स्लीव, और ये एक बहुत अच्छी बात है दैट ही इज़ ट्रांसपेरेंट, वो जैसा दिल में है वैसा ही सामने भी है। गॉड ब्लेस हिम ऑलवेज ऑलवेज। बहुत एंजॉय किया, वी आर वेरी वेरी हैप्पी फॉर अभिषेक, ही डिड सो सो वेल, एंड हमारी आंखों में ही इज रियली अ वेरी वेरी डिजर्विंग विनर। बिग बॉस फिनाले के बाद ये पहली पार्टी है जहाँ सारे दोस्त एक छत के नीचे खूब एंजॉय करते हुए नजर आए। वहीं सबकी नजरें आयशा पर भी टिकी हुई थी, क्योंकि बिग बॉस हाउस में मुनव्वर की पोल खोलने वाली कोई और नहीं बल्कि आयशा थी। लेकिन ये दोनों सारे गिले शिकवे मिटाकर जिंदगी की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। ना सिर्फ आयशा बल्कि मुनव्वर भी। मैं बहुत खुश हूँ। ऑफ कोर्स प्यार किसको पसंद नहीं आता, और शो पे ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें होती है, एंड आई फील इट्स जस्ट पार्ट ऑफ द शो, चीज़ें हो जाती हैं, एंड हम वहाँ पे बहुत कुछ सीखते हैं, यू नो ग्रो करते हैं इस चीज़ से। सो एम हैप्पी, मेरा भी वो ग्रोथ हुआ है इस शो में, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। नील से, जिग्ना जी से, नाविद से, मनस्वी से, सबसे मिलके एक्साइटमेंट बढ़ी है, और इस सबको मिलने को आज बिग बॉस फिनाले के बाद की ये पहली पार्टी है जहाँ पे हम लोग सब मिलेंगे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड। नील, ऐश्वर्या, अभिषेक, रिंकू जी सबसे मिलना है, मुन्ना से मिलना है। अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है, अब देखते हैं कि अगली पार्टी किसकी तरफ से होती है। वैसे आप सभी को सारी अपडेट्स मिलेगी सिर्फ यहाँ और कहाँ। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।